शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। एक बार जो लड़की हमें मिल लेती है वो जिंदगी भर साए की तरफ पीछा करती है। जो आज अपने खून और पसीने की कीमत मांग रहे हैं वो कल तुम्हारा और हमारा खून मांगे। इनके रहने का अच्छा से इंतजाम कर दो, अब ये यही रहेंगे। परवाना साहब, यहाँ कहाँ लुढ़क गए? जाने शराबियों को क्या मजा आता है पीने में। एक हमारा सवाल है आपसे, अगर आपने पी नहीं सेठ जी तो आपको क्या मजा आता जीने में? हमारे बाप दादा ने पाप से कमाई हुई दौलत नहीं छोड़ी है तुम्हारी तरह उड़ाने के लिए। सुनिए तो सुनिए साहिबान, आज हम आपको वो बात बताते हैं जो आपके बाप दादा ने भी आपको नहीं बताई होगी। दुनिया में हर बड़ी दौलत के पीछे एक बहुत बड़ा पाप होता है। दौलत ऐसी नहीं जमा होती सेठ जी। ओ मिस्टर शराबी, आपने हमें याद किया। क्यों सबसे उलझते हो, जाओ जाकर अपनी सीट पर बैठो। वहीं बैठेंगे साहिब, अपनी सीट पे नहीं बैठेंगे तो क्या आपकी गोद में बैठेंगे? मिस मिस प्लीज इस आदमी को जरा संभालो प्लीज। मिस, ये इंग्लिश भाषा भी क्या भाषा है, जिसे मिस नहीं करना चाहिए उसे मिस कहते हैं। चलिए प्लीज अपनी जगह पर बैठिए। जगह? कौन सी जगह? क्या आप हमें बता सकती हैं इतनी बड़ी दुनिया में हमारी जगह कहाँ है? बताती हूँ, ये है आपकी जगह। ये? जी हाँ। हम भूल गए थे। थैंक यू वेरी मच। आप देख रही हैं जो हम देख रहे हैं, एक नन्ही कली जो फूल नहीं बनी अभी मौत पर हंस रही है, और वो देखिए फल जो पक चुका है, सड़ चुका है, गिरने के डर से किस तरह कांप कांप रहा है। आप अपनी पेटी बांधिए प्लीज। भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम आ गई। अगर तुम्हारे जहाज को कुछ हो जाता तो हम सबका क्या होता? किशन ये लो तुम्हारे लिए स्वीट। देखा देखा, ये मेरी बात सुनती है कभी? सुन के भी क्या करेगी, तुम तो वो बात कर रही हो जो बात हुई नहीं। तुम तो हमेशा अपनी बेटी की तरफदारी करोगे। लक्ष्मी ये लो तुम्हारे लिए साड़ी, इसकी क्या जरूरत थी तुम्हें? जरूरत थी नहीं पड़ेगी जब तेरे हाथ पीले किए जाएंगे और इस घर के बाहर शहनाई बजेगी। हटो दीदी। देख लिया, बहन भाइयों के लिए सब कुछ आ गया। भाभी यहाँ कोरी की कोरी खड़ी है। मैं पराए घर से आई हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए भी लाई हूँ भाभी। हाय सर्स, माय प्रेजेंट। हाय हाय, नहीं लाई तो बस अपने बड़े ब्रदर के लिए कुछ नहीं लाई, नथिंग। मैंने लंदन की रेस बुक मांगी थी, अंग्रेजी घोड़े के बाप का नाम, बाप की माँ का नाम, माँ के बाप का नाम, भाई बहन यानी कि पूरा खानदान वगैरह वगैरह वगैरह। घोड़ों के खानदान की बड़ी फिक्र है मगर अपने परिवार का कुछ ख्याल नहीं। छोटी बहन बेचारी बाहर काम करती है और ये बड़ा भाई घर में बैठा बहन की कमाई खाता है। ओ, ओ, मेरी रेस आपको बहुत चुभती है जज, लेकिन उस दिन पता चलेगा जिस दिन राजेंद्र किशन की तरह जैकपॉट निकलेगा मेरा। 49 लाख रुपए इनकम टैक्स फ्री। इन दीवारों पे सोने के वर्क लगा दूंगा और डैडी आपके लिए चांदी की बैसाखियां खरीद लाऊंगा। ये लो माँ मेरे इस महीने की तनख्वाह, मैं हाथ नहीं लगाऊंगी इसे। क्यों? मुझे तुम्हारी तनख्वाह नहीं जिंदगी चाहिए, ये रोज रोज का मरना मुझे मंजूर नहीं। तुम आज ही छोड़ दो ये नौकरी। अच्छी बात है माँ, मैं जल्दी से जल्दी कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगी। अब तो लो।
आप खड़े हो जाइए। क्यों? एक बार उठिए ना मालिक। तुम ये देखना चाहते हो पूरन काका कि हमने कितनी शराब पी है? क्या हम अपने पांव पे खड़े हो सकते हैं या नहीं? नहीं नहीं मालिक, ये बात नहीं। तो फिर क्या बात है? ये फूल ये हार किस लिए है पूरन काका? सालगिरह मुबारक हो मालिक। साल आज के दिन हम पैदा हुए थे? हाँ वाली। अरे हम तो भूल ही गए। पूरन काका, हम नहीं जानते हम इस दुनिया में किस लिए पैदा हुए हैं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि तुम हमारे लिए पैदा हुए हो। पूरन काका जी, जरा दो कदम पीछे। क्यों मलिक? दो कदम पीछे हटो। पूरन काका, हम आशीर्वाद लेना चाहते हैं तुम्हारे पांव को छूकर। मालिक, भगवान करे आप 100 साल जिए। 100 साल भी क्या, आप 1000 साल जिए। जिएंगे तुम्हारे प्यार के सहारे जिएंगे, लेकिन एक शर्त पर, 1000 साल तुम्हें भी जीना पड़ेगा हमारे साथ। मालिक, मालिक। गुड मॉर्निंग सर। आज के अखबार में मैंने आपका इश्तहार देखा। आपको रिसेप्शनिस्ट की जरूरत है? बहुत जरूरत है, लेकिन क्या बताऊं, नौकरी एक है और लड़कियां कितनी आ रही हैं, चुनना बहुत मुश्किल है। शादी तो नहीं हुई? अब मेरा मतलब यह है कि शादी के बाद लड़की नौकरी के काबिल नहीं रहती है। आधी वो दफ्तर में रहती है, आधी घर में, और मुझे आधी आधी चीज पसंद नहीं। जी मेरी शादी नहीं हुई। वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन देखो आज मैं बहुत बिजी हूँ, हमारे यहाँ बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है। तुम एक काम क्यों नहीं करते, शाम को आ जाओ। ठीक है। थोड़ी सरकार, गाड़ी रेडी। पूरन काका वो गाड़ी रेडी है, मगर ये गाड़ी स्टेडी नहीं है। मगर इन सब का क्या करूँ जो यहाँ लुड़की पड़ी है। पूरन काका, म्युनिसिपालिटी की गाड़ी मंगवा और इन्हें ला के घर छोड़ दो। अब इस नौकरी की खास बात है जो शायद तुम्हें मालूम नहीं होगी। अगर तुम चाहो तो दिन दुगनी और रात चौगुनी कमाई कर सकती हो। क्या मतलब है? मतलब ये है कि इस शहर के छोटे से छोटे अमीर से लेकर के आनंद नगर के मालिक तक को हम जानते हैं। हम तुम्हें उन सबसे मिलवा देंगे। आओ यहाँ बैठो। क्या कह रहे हैं आप? अगर इस तरह शर्माओगी तो नौकरी कैसे मिलेगी? मुझे नहीं चाहिए ऐसी नौकरी। कम ऑन बेबी, यू आर ए मॉडर्न गर्ल। स्पोर्टिंग कमरे के अंदर ये शोर कैसे हो रहा? शोर नहीं था, रेडियो पे ड्रामा हो रहा है। Thank you.
लड़ी फूल, कोई लड़की हाँ कहे तो उसे छोड़ना नहीं, कोई ना कहे तो उसे छूना नहीं, चाहे वो बाजार की गुड़िया क्यों ना हो, अंडरस्टैंड? ये हमारा असूल है। वो वो अपने आप को ढांप लो। अगर अगर तुम्हें ये सब कुछ पसंद नहीं है तो फिर तुम यहाँ आए क्यों? चलो हम तुम्हें छोड़ देते हैं, जहाँ भी तुम जाना चाहो कमल। छोटे सरकार, बाहर आपसे कोई मिलने आया है। कौन है? एक मेम साहब है। नई या पुरानी? मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। फिर तो देखना पड़ेगा। भेजो। जाइए, मेम साहब आपको बुलाया है, जाइए। वाह, आज आसमान से उतर के जमीन पे कैसे आ गई? बस आना पड़ा, जिनके पंख टूट जाते हैं वो कब तक रह सकते हैं आसमान? हमें मालूम था तुम जरूर आओगी। एक बार जो लड़की हमें मिल लेती है वो जिंदगी भर साए की तरफ पीछा करती है। लेकिन मैं आपका पीछा करने नहीं आई, आपका एक वोट और ये पैसे वापस करने आई। आप हंस रहे हैं? हंस तो रहे, मगर तुम पर नहीं, अपने आप पर। हमने सैकड़ों लड़कियों को अपने हाथों से पैसे दिए हैं, लेकिन एक लड़की पहली बार हमें पैसे दे रही है। याद है मिले? आपको याद नहीं कल रात होटल में जहां आपने मेरी इज्जत बचाई? हमने इज्जत बचाई? ये नेक काम हमने जरूर बेहोशी में किया होगा। अब तक तो लोग कहते थे दुनिया में कुछ भी करना, इससे बच के रहना। लेकिन तुम्हारे होटल में क्या कर रही थी? मैं नौकरी ढूंढने गई थी। नौकरी? तुम्हारी वो एरोप्लेन वाली नौकरी का क्या हुआ? वो मैंने छोड़ दी, मेरी माँ को पसंद नहीं। मैं जा सकती हूँ? या ए सुना, तुम नौकरी करोगी? कहाँ? हमारे यहाँ काम कम और तनख्वाह ज्यादा। क्यों, क्या ख्याल है? जी मुझे तनख्वाह काम से ज्यादा नहीं चाहिए। काम क्या करना होगा? हमारी देखभाल, तुम्हारा एक ही काम होगा, हमें बचाना दूसरों से और दूसरों से भी बढ़कर हमें अपने आप से। मुझे अपना खानदान जो बचाना है। उसकी फिक्र तुम मत करो, वो हम पर छोड़ दो। जहाँ हमारी जागीर पे हजारों खानदान पल रहे हैं, वहाँ एक और से। जी नहीं, मेरा खानदान मेरी तनख्वाह पर पलेगा, आपकी जागीर पर नहीं। That's nice. I like it. I like it. हमें तुम्हारी बात पसंद आई। कल से तुम काम पर आ जाओ। जी बहुत अच्छा। एक चीज हम और बताना चाहते हैं, वो भी खुलकर कह देते हैं। हम रईस हैं, जागीरदार हैं, शराबी हैं, और हमारे जो दूसरे शौक हैं वो तुम्हें देखे रही हूँ। लोगों की नजर में हम बहुत गिरे हुए आदमी हैं। मेरी नजर में दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं जो गिर के उठ ना सके। अधिकार, अहंकार और अभिमान की हद शुरू होती है। ये तो सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन है। लेकिन इंसान को आखिर में कितनी जमीन चाहिए? 6 फुट बाई 3 फुट?
अच्छी फांसी है छोटे मालिक ने। ये है हमारे पिता राजा उदय सिंह, आनंद नगर के जागीरदार, इस तमाम इलाके के बेताज बादशाह। हेलो करण। नमस्कार भैया। इस तरह अचानक धावा कैसे बोल दिया? फिर रुपए की जरूरत आन पड़ी है क्या? जी नहीं, आपसे कुछ सीखने की जरूरत आ पड़ी है। हमसे क्या सीखोगे तुम? मसलन बात करने का तरीका, क्या फूल झड़ते आपकी जुबान से जब आप मुंह खोलते? नॉनसेंस, तुम वैसे के वैसे ही बदतमीज रहे। ये हमारे बड़े भाई साहब। छोटे सरकार, आप अंदर जा सकते हैं, रानी साहबा ने आपको हाजिर होने की इजाजत दे दी है। हम अभी हाजिर हुए। सोच रही हो, रानी साहबा हमारी माँ है, रानियों से उनके बेटे मिलाने करते हैं, उनके सामने हाजिर हुआ करते हैं। ये तो रिवाज है बड़े घरों का, माँ से मिलने के लिए औलाद को भी इजाजत नामा लेना पड़ता है। चलो। नमस्कार रानी माँ जी। तुम हमें सिर्फ माँ नहीं कह सकते? रानी माँ जी कहने से माँ कितनी दूर हो जाती है अपने बेटे से। ये दूरियां हमने तो पैदा नहीं की है, बचपन में दिल पर जो मोरे लगाई जाती हैं उनके निशान बरसों कायम रहते हैं। तुम्हारा ये बचपना कब छूटेगा जी? उस वक्त तक तो नहीं छूटेगा जब तक बड़े मौजूद हैं इनके नाज उठाने के लिए। देखा रानी माँ जी, भाभी साहिबा किस तरह आपकी लंबी उम्र के लिए दुआएं मांग रही है। तुम्हारी बेलगामी बहुत बढ़ गई है, तुम्हें न बड़े का लिहाज है न छोटे का। अगर आदमी सिर्फ उम्र से ही बड़ा होता भाभी साहिबा, तो दुनिया का हर पत्थर पूजा के काबिल होना चाहिए। पार्वती, इनके रहने का अच्छा से इंतजाम कर दो, अभी यही रहेंगे। रानी साहिबा आइए। करण, ये लड़की कौन है? हम बताना भूल गए, ये लता हमारी सेक्रेटरी है। तुम्हें सेक्रेटरी की क्या जरूरत थी? बहुत जरूरत थी, वैसे तो सब मौजूद है इस महल में, हमारे बड़े भैया हैं, हमारी भाभी साहिबा हैं, हमारी रानी माँ जी, लेकिन हम बिल्कुल अकेले हैं। और अकेले काम को संभालना तो दूर की बात, हम तो अपने आप को भी नहीं संभाल सकते। गलत, हम आपके कौन है? अंकल, हम आपसे एक बात पूछे। हाँ पूछो। अंकल, सुना है आप शहर से एक लड़की लाए हैं, सब कहते हैं वो बहुत गंदी है। सब कौन? मम्मी और डैडी दोनों। बेटा, जो खुद अच्छे होते हैं ना, वो ना दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं ना दूसरों के बारे में बुरा कहते हैं। आप खुद जाके देख लीजिए वो अच्छी है या बुरी। हम अभी जाते हैं। सकते, तू जमीन पे क्या कर रहा है? तहतराम मालिक को सलाम कर रहा है और मुबारकबाद दे रही है। मुबारकबाद किस बात की? आए हाय, हुजूर ने जैसे ही महल में कदम रखा कि आसमान से एक सितारा टूट पड़ा मालिक के कदमों में बिछने के लिए। उसका तो नाम दी सितारा है मालिक, आपकी रात जगमगा उठेगी। तो सकते, ये ले तेरा इनाम। अरे मालिक, रहने दीजिए, ऐसी भी क्या, ले लो, नहीं तो ये भी बाद में नहीं मिलेगा। हुजूर, रात की कीमत रात की बात। हाय हाय, मेरे मालिक, मेरे हुजूर, मेरे खुदा, मेरे आका, आदाब आदाब आदाब। क्या देख रही हो बेटी? तुम्हारे मालिक को देख रही हूँ और उनकी आदतें। उनकी आदतें बुरी सही, मगर वो दिल के बुरे नहीं है। नहीं होंगी, लेकिन मैं तो अपना सोच रही हूँ, मैं यहाँ कितने दिन नौकरी कर सकूंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो बेटी, तुम्हारे आने से तो मुझे उम्मीद हो गई है। एक औरत मर्द को बिगाड़ सकती है तो दूसरी सुधार भी सकती है। ए बटेरू, रानी साहिबा, कल तुमने खाने की बहुत तारीफ करी है। अरे वार्ड रानी साहिबा, हम क्वीन विक्टोरिया को करेले का पुडिंग खिलाया था, उसने हमको ये इनाम दिया है। तुमको बनता? ओह, हम अभी तुमको लगाएंगे। हाँ, लगाएंगे। अरे अरे, शर्मा मत, हम आते तो तुमको नहीं तकलीफ नहीं होगी। क्या कर रही है? तुझे खाना पकाने की नौकरी कर रही है कि मेडल लगाने की नौकरी कर रही है? ए तख्ते, तुम कहाँ बीच में आके टपक पड़ा? अरे मैं बीच में नहीं आता तो पता नहीं बीच बीच में क्या हो जाता आज।
क्या हो जाता? हम तो बिजली को एक लगाता था मेडल। अरे तुम कितनी लड़कियों को आज तक मेडल लगाया है? अरे हम बहुत तुमको क्या करने का? हम किसको लगाया नहीं लगाया, हमको सैकड़ों रानी महारानी विक्टोरिया ने हमको मेडल लगाया है। हम एक मेडल बिजली को लगाने मंगता। बुढ़ा तुम्हारा उम्र है मेडल लगाने का? बुढ़ा तुम्हारा बाप? मारे बाप तो गाली मत देना तुम बंकू गाय बुढ़ा। छोटे सरकार ने हुक्म भेजा है उनको मुर्गी का पुलाव चाहिए है, रान का शोरबा चाहिए और कमल के पत्ते में लिपटे हुए बोटी कबाब। गुड जय कमल। मुर्गी रान बोटी कबाब ठीक है, लेकिन कमल का पत्ता किधर से लाया है? देखो बगीचे में तालाब है, तालाब में कमल, बस जाकर तालाब में कूद पड़ो। बिजली जाओ ओ मच्छी को तलो और इस तख्ते के साथ बात मत करो, हम अभी आता है। और सुनो बिजली रास्ता इधर है, बाहर 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 जल्दी जल्दी जल्दी। हाय 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 हाय, ऐसा लग रहा जैसे मछली की जगह मुझे डाल दिया कढ़ाई में तूने। क्यों तुम हमें संग बात मत करो, बटलर नाराज हो जाएगा। अरे बटलर क्या नाराज होगा, वो तो तालाब में गोटे लगा रहा होगा, मैंने जानबूझकर उसे तालाब में भिजवा दिया। अरे अब तू इसको बंद कर और मेरे पास देख देख देख, अगर तू उसके साथ रसोई घर में काम करती रहेगी तो इस धुएं की तरह काली हो जाएगी मेरी रानी, और अगर मेरे साथ रहेगी ना तो चांदी की तरह चमका के रखूंगा तुझे, महारानी की तरह रहेगी। देख बिस्तर में चाय पीना, अरे बिस्तर में ही नाश्ता करना, और बिस्तर में ही खाना खाना, अच्छा? और बिस्तर में ही बटलर हो गया। बिस्तर में बटलरू कहां से आ गया? किधर बिस्तर? किधर है बटलरू? इधर खड़ा है। ए, तुम हमको पत्ता लाने को भेजता और तुम ये बिजली के साथ सकता कहता। चले 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 निकल जा रहे, निकल जा रहे। जारिया जारिया बाता कहते हुए बिजली मेरी बात को याद रखियो है। जाता है ना रे, ये ले खा ले। क्या यार इतनी बड़ी टोली क्यों आई? बोलो बोलो बात क्या है, बड़े सरकार से बोलो। बात तो कोई नहीं, बरसों से आपकी जमीन पे काम और आपके पांव की गुलामी करते हैं। महंगाई के जमाने में जिस तरह चीजों के दाम बढ़े हैं मजदूरों की मजदूरी भी बढ़ी है। हाँ हाँ कहना क्या चाहते हो? आपके पास वाली जिम्मेदारी में जो हल चलाता है उसको 3 रुपए मिलते हैं, जो सड़क फूटता है उसको 4, जो कारखाने में काम करता है उसको 5, मगर हम आज तक 2 ही रुपए में काम कर रहे हैं। तो तुम लोग हमें धमकाने आए हो? तुम भी चले जाओगे कारखाने में? हम कैसे जा सकते हैं मालिक, हमारे खून में आपका नमक रचा हुआ है, हम तो सिर्फ आपसे अर्ज करने आए हैं, आप दया कीजिए और हमारी मजदूरी बढ़ा दीजिए। अब तुम लोग जाओ, बड़े सरकार तुम्हारी मांग पर विचार करेंगे। नहीं, एक पाई नहीं बढ़ाएंगे हम, जमीन हमारी है, कुएं हमारे हैं, हल हमारे हैं, बैल हमारे हैं, तुम लोगों का क्या है इसमें? जरा सा हाथी चलाते हो ना? सच कहा आपने, हम जरा सा हाथी चलाते हैं, ये छाले हमने शौक से उगाए हैं जैसे आप बगीचों में फूल उगाते हैं। यू रस्कल, कान खोल कर सुन लो, पैसे तुम लोगों को उतने ही मिलेंगे जितने मिलते थे, आगे तुम्हारा अपना फैसला। फैसला तुम मालिक आपने खुद ही लिख दिया है यहाँ, हम इतने पैसे में काम नहीं करेंगे, बेशक हमें भूखा मरना पड़े अपने घरों में। कल तुम्हारे घर कहाँ होंगे? हम बड़े मालिक से मिलना चाहते हैं। उसे अब भी मालिक कहते हो तुम? उसे कातिल कहो कातिल। ठहराओ, उस आदमी को अंदर आने दो। ठीक है, तुम सब लोग यहीं ठहरो, मैं अकेला अंदर जाकर तुम सब की चीखों से इस महल की दीवारें हिला सकता हूँ।
एक बार फिर से कहना कि हम मालिक नहीं कातिल हैं। एक बार तो क्या हजार बार कहूंगा, कातिल कातिल कातिल। बाप दादा कितने बहादुर थे और बेटा कितना कायर, जो रात के अंधेरे में गरीबों के घर जला सकता है। हम अभी तुम्हें दिखाते हैं हम दिन के उजाले में क्या कर सकते हैं। सरकार, जो बाहर खड़े हैं उनका क्या होगा? उनके ऊपर हमारे भूखे कुत्ते दौड़ा दो। पहले भूखे इंसानों पर कुत्ते दौड़ाए, अब उन पर बंदूकें तानी जा रही। तुम इन्हें इंसान कहते हो सिर्फ इसलिए कि इनकी दो टांगे हैं, चार नहीं। लेकिन इनका कसूर क्या? यही ना कि इन्होंने 2 रुपए के बजाय 3 रुपए मांगे अपने खून और पसीने की कीमत। आप समझते क्यों नहीं है? आपका हर एक कुत्ता रोज 10 रुपए का मांस खाता है, तो क्या ये आपके कुत्तों से गए गुजरे हैं? तुम जानते नहीं हो करण, जो आज अपने खून और पसीने की कीमत मांग रहे हैं वो कल तुम्हारा और हमारा खून मांगेंगे। अंदर जाओ शराबी और चुप रहो। जाओ। नहीं, ये हमारे सवाल का जवाब नहीं भैया। ये सिर्फ रोटी तो मांग रहे हैं, रोटी जिन्होंने अपने हाथों से पैदा की है। कल को अगर इन किसानों ने हल फेंक दिए तो हम जमींदारों का क्या होगा? जमींदारों का जो होगा वो बाद में देखा जाएगा, पहले तुम्हारा और हमारा फैसला होगा। हम समझे नहीं आपका मतलब। जाओ उससे जाकर इसका मतलब समझो, जो आजकल तुम्हें नए नए पाप पढ़ा रही है। अमीर और गरीब के दरमियान एक लकीर होती है, दुश्मनी की लकीर। तुम आज अपने भाई को छोड़कर लकीर के उस पार दुश्मनों के साथ जा पड़े हुए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बीमारी तो आपने बता दी, अब इलाज भी बता दीजिए ना। जो हमेशा होता है